नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एल पी जोशी वगैरह आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में। कुंडली का सप्तम भाव, ठीक है, इसके बारे में मैं एक दो टॉपिक्स बना चुका हूँ, बट इसको हम डिटेल में थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है, सेवन्थ हाउस जो हमारी कुंडली का होता है ना, हमें फर्स्ट हाउस और हमारा सेवन्थ हाउस, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारे लोग, ठीक है, यानी कि पब्लिक, सेवन्थ हाउस। फोर्थ हाउस भी मासिस का होता है, बट सेवन्थ हाउस भी एक मासिस से देखा जाता है, क्योंकि चौथे से वो चौथा होता है। और दूसरी बात, ये सेवन्थ हाउस स्पाउस का भी होता है, रिलेशनशिप्स का होता है, फिफ्थ हाउस भी रिलेशनशिप का होता है, तो सेवन्थ हाउस भी एक रिलेशनशिप को शो करता है जो हमारे पार्टनर के साथ होता है। बिजनेस पार्टनरशिप में होते हैं रिलेशनशिप्स। सेवन्थ हाउस हमारे एक डीप चीज़ों को भी बताता है कि व्यक्ति की ना एक अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी अपने पार्टनर्स के साथ, ठीक है। और सेवन्थ हाउस एक और चीज़ है दोस्तों, सेवन्थ हाउस अगर देखा जाए तो जॉब का धन भी सेवन्थ हाउस है। यानी सिक्स हाउस हमारा जॉब का है, तो सेवन्थ हाउस उसका धन हो गया, सेकेंड हाउस, उस तरीके से अगर देखा जाए तो। ये भावत भाव हम नहीं लगा रहे अभी, हम इसको एक तरीके से समझते हैं। देखिए, सेवन्थ हाउस में अगर आपका कोई भी लॉर्ड बैठा है वो एक अलग कंसेप्ट है, बट सेवन्थ लॉर्ड कहीं पे भी जाएगा तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अगर कोई बेनिफिट ग्रह गया है, तो ऐसे व्यक्ति की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सच्ची होती है अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर को समझने वाला व्यक्ति मिलता है, और ऐसे लोगों के पार्टनर हमेशा लॉयल भी देखे गए हैं अगर बेनिफिट प्लेनेट है तो। और सेवन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस ये भी शो करता है कि पार्टनर हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले रहते हैं। सेवन्थ लॉर्ड इन टू सेकेंड हाउस जब जाता है तो व्यक्ति का जो पार्टनर हो सकता है तो वेल्थी हो सकता है, उसकी वेल्थ एक्यूमुलेट करने में बहुत ज़्यादा वो रखता हो सेवन्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। और ये सेवन्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस अपने से छठा चले जाता है, सॉरी आठवां चले जाता है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पार्टनर को हेल्थ रिलेटेड भी इशूज़ देता है, पर इट्स नॉट कि ये होगा ही होगा। इसमें अगर कोई मेलिफिक कंजेक्शंस बन रहे हैं सेकेंड हाउस में तो ये ज़्यादा संभावना रहती है, बट सेवन्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस पार्टनर वेल्थी हो सकता है, पार्टनर कम्युनिकेटिव हो सकता है, पार्टनर बहुत फूडी हो सकता है। और सेवन्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस पार्टनर थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड भी देख सकते हैं आप। सेवन्थ लॉर्ड इन टू थर्ड हाउस पार्टनर हिम्मत वाला मिलेगा, पार्टनर सपोर्टिव मिलता है, पार्टनर हमेशा सपोर्ट करता है व्यक्ति को। और सेवन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस मैंने ये भी देखा है कि पार्टनर थोड़ा ट्रैवलिंग वाला भी मिलता है, यानी उसको यात्रा करना पसंद होती है और कम्युनिकेटिव बहुत होते हैं। सेवन्थ लॉर्ड इन टू थर्ड हाउस पार्टनर्स के कम्युनिकेशंस बहुत होते हैं लोगों से। सेवन्थ लॉर्ड इन टू फोर्थ हाउस पार्टनर के आने के बाद सुख मिलते हैं अगर बेनिफिक प्लेनेट है, मेलिफिक है तो दिक्कत भी देता है अगर नीच वीच का ग्रह हो जाए यहाँ पर आके। सेवन्थ लॉर्ड इनटू फर्स्ट हाउस पार्टनर से अटैचमेंट को भी शो करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है जो कि अटैचमेंट्स की राशि होती है। सेवन्थ लॉर्ड इनटू फोर्थ हाउस कई बार देखा है कि पार्टनर का स्वभाव माँ जैसा हो सकता है, पार्टनर माँ जैसा केयरिंग हो सकता है आपको लेके। सेवन्थ लॉर्ड इनटू फर्स्ट हाउस आपके आसपास का पार्टनर मिल सकता है सेवन्थ लॉर्ड इनटू थर्ड और फोर्थ में अगर देखा जाए तो। और सेवन्थ लॉर्ड इनटू फिफ्थ हाउस पार्टनर एजुकेटेड मिलेगा, समझदार मिलेगा, आपको समझने वाला मिलेगा, ठीक है। और पार्टनर पढ़ा लिखा भी मिलता है, पार्टनर के आने के बाद एक व्यक्ति का नाम भी, स्टेटस भी बूम होता है। स्टेटस तो टेंथ हाउस वाले का भी बूम होगा जो सेवन लॉट टेंथ हाउस में जाता है, बट सेवन लॉट इनटू फिफ्थ हाउस पार्टनर के आने के बाद एक अच्छी स्किल्स को डेवलप भी कर शो करता है कि व्यक्ति के अंदर अच्छी स्किल्स डेवलप्ड हो उसके बाद। और सेवन लॉट इनटू फिफ्थ हाउस कई बार पार्टनर स्किल्स वाला भी बहुत मिलता है, ये चीज़ें देखी गई है। और पार्टनर बहुत एंटरटेनमेंट करने वाला भी देखा गया, अगर कोई शुक्र जैसा ग्रह सेवन लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चले जाए तो। सेवन लॉर्ड इनटू सिक्स हाउस पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, झगड़े रहेंगे, बीमार पार्टनर मिल सकता है। सेवन लॉर्ड इनटू सिक्स हाउस पार्टनर के चक्कर में खर्चे बहुत होंगे, क्योंकि सप्तम से बारहवा घर हो गया वो, उसकी हेल्थ पे खर्चे बहुत होंगे, ठीक है। पार्टनर जॉब करने वाला मिल सकता है सेवन लॉर्ड इनटू सिक्स हाउस। सेवन लॉर्ड इनटू एट हाउस पार्टनर के साथ थोड़े बहुत शारीरिक इशूज यानी सेक्सुअल इशूज़ हो सकते हैं अगर मेलिफिक ग्रह है तो। सेवन लॉर्ड इनटू एट हाउस कई बार ये भी देखा है कि पार्टनर थोड़ा बहुत ऑकल्ट की तरफ, रहस्य में चीज़ों की तरफ, थोड़ा रिसर्च की तरफ अपनी बहुत रुझान रखता हो। और सेवन लॉर्ड इनटू एट हाउस कई बार पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी शो करता है, और ये भी कह सकते हैं सीक्रेट अफेयर्स को शो करता है अगर कुछ कंजेक्शंस बन जाए सेवन लॉर्ड के साथ राहु वगैरह का। सेवन लॉर्ड इनटू नाइन्थ हाउस पार्टनर धर्म को फॉलो करने, रिचुअल्स को मानने वाला होगा, पार्टनर के आने के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होता है। सेवन लॉर्ड इनटू नाइन्थ हाउस पार्टनर का एक और चीज़ देखा गया है कि उसकी मॉरलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखता होगा, और आपकी मॉरलिटी उससे कभी मैच नहीं करेगी रिचुअल्स, क्योंकि वो एक अलग समझदार, वो हाईली एजुकेटेड भी मिल सकता है आपको,
और आपकी सोच और उसकी सोच में बहुत डिफरेंशिएट हो सकती हैं चीज़ें, जिसके कारण आपके कॉन्फ्लिक्ट भी देखे जा सकते हैं। 7 लॉ इनटू 10 हाउस, पार्टनर के आने के बाद स्टेटस बढ़ता है, पार्टनर जॉब करने वाला मिल सकता है, पार्टनर बिजनेस करने वाला भी मिल सकता है। 7 लॉ इनटू 7 हाउस की अगर हम बात कर ले तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर, देखिए सप्तम गांव का स्वामी अगर सप्तम में बैठ जाए तो थोड़ा बहुत नेगेटिवली भी काम करेगा, बट 7 लॉ इनटू 7 हाउस अगर कोई मेलिफिक प्लेनेट बैठ जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी मैरिज में। पर बेनिफिक है तो आपके रिलेशनशिप्स को हमेशा बना के रखेगा, अब आप एक दूसरे को समझ तो फर्स्ट वाले को भी आएगी, मतलब 7 लॉ इनटू 1 हाउस वाला व्यक्ति समझदार होगा पार्टनर को देखे, बट 7 लॉ इनटू 7 हाउस वाले भी व्यक्ति देखते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे से बना के चलते हुए देखे गए हैं और ईमानदार भी देखे गए हैं पार्टनर के टूवर्ड्स। बट उसमें जुपिटर भी बेनिफिक एक कुंडली में ग्रह होता है जो कि हमारा बहुत मॉरलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर जुपिटर का अगर कहीं दिक्कत आ गई कुंडली में तो वो जो ईमानदारी है वो भी शायद खो सकता है व्यक्ति। और 7 लॉ इनटू 10 हाउस में आपको बता दूँ तो ये भी एक अच्छा वो है, पार्टनर मैंने बताया स्टेटस आएगा, बूम होगा आपका स्टेटस, पार्टनर के आने के बाद व्यक्ति स्टेटस बूम होता है, वो कर्म करने लगता है, कर्म करने की शक्ति बढ़ जाती है उसकी। और 7 लॉ इनटू 10 हाउस मैंने देखा कि पार्टनर के आने के बाद व्यक्ति अच्छे अचीवमेंट्स भी करता हुआ देखा गया लाइफ में। 7 लॉ इनटू 11 हाउस जब जाएगा ना तो पार्टनर के आने के बाद गेंस जरूर मिलेंगे, पर ये छठे से छठा भाव हो जाता है, तो उस पार्टनर के आने के बाद थोड़े बहुत आपके इसमें भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट देता है ये 11th हाउस वाले के साथ। पर 7 लॉ इनटू 11th हाउस इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा जितना 6th वाला देगा आपको। और 7 लॉ इनटू 11th हाउस मैंने देखा कि पार्टनर थोड़ा सोशली एक्टिव ज़्यादा रहता है, जैसे मोबाइल पर जो होते हैं या फिर सोशली फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहने वाला हो। 7 लॉ इनटू 12th हाउस जब देखेंगे तो पार्टनर विदेश से मिल सकता है, या पार्टनर के आने के बाद पार्टनर से आपके थॉट्स मैच नहीं कर सकते, अगर ये मैलिफिक ग्रह है कोई 7 लॉ 11 12th हाउस में जा रहा है, पार्टनर के साथ आपका कह सकते हैं कि दूरियां बन सकती हैं आप दोनों के पीछे। और मतलब ये भी एक अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती 7 लॉ इनटू 12th हाउस पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप्स को टूटता हुआ भी मैंने देखा है 7 लॉ इनटू 12th हाउस वाले के साथ भी, कि पार्टनर एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं जो लोग, और दूरियों को रिप्रेजेंट करता है ये भी, तो एक अच्छा कंजेक्शन ये भी नहीं होता, एक अच्छा योग ये भी नहीं माना जाता। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।